लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी नेता के दामाद ने सपा का दामन थामा। इस दौरान मंच पर आजम खान भी मौजूद थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में जीत के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को लिए धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस जीत से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि वो विकास की तरफ जाने लगे हैं। अब वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, विकास कार्यों में रुचि लेने लगे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीटीसी अभ्यर्थियों की पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि सपा शासन में नकली भर्तियां हुई थीं। कम से कम जो भर्तियां हो गई हैं, उन्हें तो सरकार नियुक्ति पत्र दे दे। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद डॉक्टर नक्कल किशोर शाक्य भी सपा और बसपा के गठबंधन पर अखिलेश यादव को बधाई देने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है।